वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी कार्यवाही नहीं कर रही है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक विपक्ष के खिलाफ ईडी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सौम्या चौरसिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए तो निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रकरण में किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में ताकत क्यों लगाएगी, सौम्या चौरसिया प्रशासनिक अधिकारी है, वे खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगी। आप कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो गलत है, वो उनका कृत्य गलत है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमी होती है, विशेषताएं होती हैं, तो कहीं कमी है वो भी बात में सामने आएगी। पूरा व्यक्ति कोई खराब पूरा नहीं होता, पूरा दोषी नहीं होता, उसके चरित्र के कुछ हिस्से हैं, उसके आचरण के कुछ हिस्से हैं जो हो सकता है खराब हो, बहुत हिस्से हैं जो अच्छे हों। कोई खराब बात सामने आती है और वो कानून के विपरीत जाती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है। लड़ेंगे, मतलब सौम्या चौरसिया जी लड़ेंगे, प्रशासन की अंग है तो प्रशासन के ओर से एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसमें जो करना चाहिए वो प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से देखेगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती? ये कोई मानेगा कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं हो सकते? तो केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर जाँच क्यों हो रही? इसलिए एक संवैधानिक संस्था जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जानते हैं, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूप में जानते हैं, ये केवल ऐसे ही जगह क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कारण विशेष से ढूंढ के ऐसे प्रकरण किए जाए। दो चीज है, एक द्वेष भावना से करना, दूषित भावना से करना, और दूसरी गलती होना। गलती कही है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, द्वेष भावना से हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। आप अनावश्यक अगर किसी को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपना रास्ता निकालने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमने अनेकों जगह देखा कि राजनीतिक फेरबदल भी इस बेसिस पे उन्होंने करने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की, ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती है तो कौन कहेगा कि कार्रवाई